हम इंडिया और हम लोग इकट्ठे आज़ाद हुए, लेकिन जो इंडिया तरक्की कर गया और हम लोग वहीं के वहीं रह गए। इसके लिए हम बड़े सैड हैं। अपनी कंट्री के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी कंट्री को तरक्की दे। कुछ भी सही नहीं है यहाँ पे। पूरी दुनिया में लोग पैसों के पीछे खवार हुए हैं, कुछ लोग मर गए हैं। यहाँ पे लोग छोड़ के जा रहे हैं यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे महंगाई बहुत ज़्यादा है। पहले ऐसे फील होता था कि कश्मीर को आज़ादी चाहिए, इस टाइम हम भी कश्मीर के लेवल पे आ गए, हम लोगों को भी आज़ादी चाहिए। जैसे आटे के हाथों लोग मर रहे हैं, खाने के हाथों लोग मर रहे हैं, इतनी ज्यादा पॉवर्टी कहते हैं ना, में। बातें करोड़ों की दुकान पकोड़ों की, वो वाला हिसाब ना क्या कर। इंडिया भी 50-50 है, वहाँ पे फिर भी वहाँ पे लोग बहुत खुश रहते हैं। वो दूसरों को भी देते हैं, दूसरों के साथ शेयर करते हैं, वो हमेशा अपने साथ दूसरों को लेकर चलते हैं। जय श्री राम दोस्तों, आज आपको मिलवाने वाले पाकिस्तान के सबसे समझदार बच्चे से। और समझदार क्यों भाई, क्योंकि उसको कुछ कुछ बातें पता है। वो छोटा है लेकिन उसको पता है कि इंडिया कितनी तरक्की कर रहा है और पाकिस्तान कितनी गहराइयों में जा रहा है। दूसरा, उसकी माँ ने बताया कि हमें अब पाकिस्तान को कश्मीर नहीं चाहिए, उनको चाहिए आटे की थैली और पाकिस्तान के लोग खुद आजादी की मांग करें कश्मीर की तरह। चलिए सुनते हैं। इस वीडियो के अंदर एक बहुत बड़ी न्यूज़ लेकर आया हूं गाइस, कश्मीर के रिलेटेड। गाइस अगर मैं बात करूं जम्मू एंड कश्मीर की, सबसे पहले मैं बात करूंगा गाइस जम्मू एंड कश्मीर की। गाइस जम्मू एंड कश्मीर के अंदर इंडिया की गवर्नमेंट 75,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। गाइस अगर मैं बात करूँ दूसरी तरफ हमारे कश्मीर की, तो गाइस हमारे कश्मीर के अंदर सबसे पहले नंबर पर इन्वेस्टमेंट तो दूर की बात है गाइस, फूड क्राइसिस है, इकोनॉमिकल क्राइसिस है, उसके बाद एनर्जी क्राइसिस है। इतनी सारी क्राइसिस से हमारा कश्मीर जूझ रहा है कि क्या सिचुएशन है मुल्क की, और क्या जो उनसे गवर्नमेंट ने आपको कोई सब्सिडी दिया। रमजान भी चल रहा है, रमजान का महीना है तो बाबरकत महीना, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? कोई सब्सिडी मिली गवर्नमेंट की तरफ से, कितनी रिलीफ मिल रही है जिंदगी में? नहीं बिल्कुल भी, इस टाइम तो इतनी महंगाई एक्सट्रीम लेवल पे चली गई है कि समझ नहीं आ रही है कि ग्रोसरीज कैसे पूरी करें, अपने घर को पूरा करें, ग्रोसरीज को पूरा करें। फिल वक्त हुकूमत की तरफ से कोई रिलीफ नहीं नजर आ रहा। बच्चा भी कुछ कहना चाहता है, बहुत ही मतलब शार्प है माशाल्लाह से, ये कुछ कहना चाह रहा है। तो कब से मुझे कह रहा है कि भाई मैंने ये कहना है, तो भाई क्या कहना चाहोगे? गवर्नमेंट से खुश हो के नहीं हो? तकरीबन मैं 50-50 हूँ। गवर्नमेंट हमारे पास हमें बहुत ज़्यादा सहूलियत देती है, लेकिन यहाँ की महंगाई बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे यहाँ का स्टैंडर्ड बाहर के मुल्क के स्टैंडर्ड से कंपेयर ही नहीं किया जा सकता। बाहर के मुल्कों में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो यहाँ पे इतना कुछ नहीं है, लेकिन हम जैसे भी हैं हम यहाँ पे खुश हैं। हमें अल्लाह ने हमें ज़मीन दिया, हम इसमें खुश हैं। कायद आज़म ने ज़मीन बनाई, हमें अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे कुछ भी सही नहीं है। यहाँ पे पूरी दुनिया में लोग पैसों के पीछे खवार हुए हैं, कुछ लोग मर गए हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा। सही हो गया। तो क्या पता, क्या आप हमारे पड़ोसियों के बारे में क्या जानते हो? चाइना के बारे में थोड़ा पता आपको? जी, चाइना बहुत ज़्यादा डेवलप कंट्री है हमारे यहाँ, वो हमसे 5 टाइम्स और ज़्यादा है। तो बाकी सारी कंट्रीज को देखा जाए तो वो 2 टाइम्स उसे पीछे, लेकिन हम 5 टाइम्स उसे पीछे, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगाई है। अफगानिस्तान के बारे में जानते हो थोड़ा बहुत? अफगानिस्तान भी हमारा नेबर है ना? अफगानिस्तान हमारी नेबरिंग कंट्री है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डेवलप है। देखिए जैसे कि वहाँ पे इतनी सारी सहूलियत नहीं है, लेकिन वहाँ पे लोग बहुत खुश है, वहाँ की मिलिट्री भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। सही हो गया। क्या आपको हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है? वो कैसा मुल्क है, क्या वो डेवलप है या नहीं है, इसके बारे में क्या जानते हो आप? इंडिया भी 50-50 है, वहाँ पे भी इस तरह के वहाँ पे भी बहुत सारे केसेस हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पे लोग बहुत खुश रहते हैं। वहाँ पे लोगों के पास गरीबी है, लेकिन वहाँ पे लोग हमेशा वहाँ पे पैसों के पीछे नहीं रहते, वो अपने मुल्क वो दूसरों को भी देते हैं, दूसरों के साथ शेयर करते हैं, वो हमेशा अपने साथ दूसरों को लेकर चलते हैं। आपको पता है इंडिया दुनिया के 5वीं बड़ी मईशत बन गया, अभी फर्स्ट लार्जेस्ट फिफ्थ लार्जेस्ट इकॉनमी बन गया। हम इकॉनमी में कौन से नंबर में आते हैं? किसी नंबर पर भी नहीं आते। क्योंकि यहाँ पे लोग छोड़ के जा रहे हैं यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे महंगाई बहुत ज्यादा, और यहाँ का गवर्नमेंट का है ना, और गवर्नमेंट का बहुत मेजर इशू हो चुका है। हमारी गवर्नमेंट की वजह से हमारा सारा लेवल बिल्कुल आउट हो गया है। हम इंडिया और हम लोग इकट्ठे आज़ाद हुए, लेकिन जो इंडिया तरक्की कर गया और हम लोग वहीं के वहीं रह गए। इसके लिए हम बड़े सैड हैं। अपनी कंट्री के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी कंट्री को तरक्की दे, लेकिन फिलहाल जिन लोगों के हाथों में है उनसे हम सब बहुत परेशान हैं। एक मैं मेजर क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, जिस मेरा टॉपिक वही है, कश्मीर के बारे में हम सब ने सुना बचपन से, जब से पैदा हुए हैं कश्मीर के बारे में हमने ये सुना है कि कश्मीर में मतलब कि इंडिया के कब्जे में, वहाँ पर बड़ी जुल्म और ज्यादती होती है, बर्मा के अंदर बड़ी जुल्म और ज्यादती होती है। हमने ये सुना है कि कश्मीर के अंदर बड़ी जुल्म और ज्यादती होती है, इंडिया के अंदर बड़ी जुल्म और ज्यादती होती है। हमने ये सुना कि लेकिन जो अभी यहाँ के सिनेरियो है, आटा नहीं मिल रहा, ये क्या, ये जुल्म कैसा है? ये कुछ टाइम पहले ऐसे फील होता था कि कश्मीर को आज़ादी चाहिए, इस टाइम हम भी कश्मीर के लेवल पे आ गए, हम लोगों को भी आज़ादी चाहिए। जैसे कश्मीर के लोगों पे जुल्म था ना अपनी आज़ादी के लिए, फ्रीडम को लेके, कि अपनी फ्रीडम को लेके उन पर बड़े मजालिम ठाए जा रहे थे, इसी तरह इस टाइम हम लोग भी फ्रीडम चाहते हैं और इतने ही मजालिम हम लोग भी सह रहे हैं। आटे के हाथों लोग मर रहे हैं, खाने के हाथों लोग मर रहे हैं, इतनी ज़्यादा पॉवर्टी बढ़ गई है। मुझे तो ऐसे फील होने लग गए हम सबको कि जैसे हम भी ना कश्मीर के लेवल पे आ गए हैं, कि हम लोग भी आज़ाद नहीं है। कहना चाहूँगा कि कश्मीर बहुत ज़्यादा प्यारी जगह थी, इंडिया ने हमसे छीन लिया, पाकिस्तान जंग हार गया वो वाली, उसकी वजह से हमें इंडिया को हमारा प्यारा सा कश्मीर देना पड़ा। अच्छा, मतलब पाकिस्तान को हमारा कश्मीर देना पड़ा।
कश्मीर बेसिकली है किसका? कश्मीरी राइट चाहते हैं जिस तरह से हम चाहते हैं, हमें राइट मिलने चाहिए, हमें जिस तरह से आटा चाहिए कश्मीरियों को भी आटा चाहिए। कश्मीर के अंदर मैं खुद विजिट करके आया हूँ, वहाँ पर लोग बहुत पॉवर्टी के अंदर रह रहे हैं, गुर्बत बहुत ज़्यादा जो हमारे पास कश्मीर है। लेकिन अगर मैंने दूसरी तरफ आप विजिट करेंगे जम्मू कश्मीर के पास जो इंडिया के पास है, आपको पता वहाँ पर फैसिलिटीज़ कितनी ज़्यादा दे रहा है इंडिया उनको? इंडिया वहाँ पे उनको तकरीबन हमारी तरह की फैसिलिटीज दे रहा है, कहीं गुना ज़्यादा फैसिलिटीज दे रहा है। पता आपको पता नहीं होगा वहाँ पर 5G लॉन्च हो गया, अभी 6G लॉन्च होने जा रहा है, हमारे पास 4G भी नहीं है इंटरनेट के लिए लिहाज से। गाइस मैं बच्चे को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बच्चे के माइंड में अभी तक ये चीज़ें नहीं है, थोड़ा मैं एजुकेट करूँगा, बहुत शार्प बच्चा ये, मजीद जाकर सर्च करेगा घर जाके कश्मीर के रिलेटेड आपने मजीद सर्च करनी है। अल्लाह का शुक्र है, मैं चाहता हूँ ये, लेकिन मैं अच्छे स्कूल में हूँ, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है, लेकिन बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि यहाँ पे फैसिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए और यहाँ पे महंगाई कम होनी चाहिए। तो कश्मीर के रिलेटेड अभी क्या पॉइंट ऑफ व्यू बन रहा है आपका? मेरे ये बन रहा है कि कश्मीर भी बहुत डेवलप कंट्री जो इंडिया के पास है, जो यहाँ के कश्मीर है वहाँ पे लोगों के पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है। आपको भी मजीद चाहिए मस्ट विजिट करें कश्मीर, आप अपने पेरेंट्स को भी साथ लेके जाएं कश्मीर विजिट करें, बहुत खूबसूरत है कश्मीर, देखेंगे कश्मीर को। इंशाल्लाह मैं जाऊंगा तकरीबन 14 या 15 ईयर्स में। जबरदस्त हो गया, थैंक यू सो मच भाई, यार गॉड ब्लेस यू, अल्लाह ताला आपकी ना बहुत अच्छी आपको मजीद आपको रिसर्च करने की जरूरत है, और मजीद पढ़े मजीद सर्च करें दुनिया के बारे में, हमारे बारे में, हम तरक्की क्यों नहीं कर रहे? अगर हमारे पड़ोसी अगर अफगानिस्तान देखेंगे, बांग्लादेश जो हमारा पार्ट था वो अलग हो गया, वो डेवलप हो गया, हम क्यों नहीं हुए? इन सब के बारे में आपको सर्च करने की जरूरत है, आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। पाकिस्तान बनना तो मैं कहता हूँ वो कश्मीर ही बेहतर है, पाकिस्तान ना ही बने, क्योंकि पाकिस्तान में तो सिर्फ लोग जो है ताकत के पीछे भाग रहे हैं, कुर्सी के पीछे भाग रहे हैं, कोई किसी का सगा नहीं है यहाँ पे। तो बस ये है कि अल्लाह पाक कश्मीर के हाल पे रहम फरमाए, बर्मा के मुसलमानों पे, फलस्तीन के मुसलमानों पे, बल्कि मुसलमानों पे रहम फरमाए, हम पे रहम फरमाए। मैं तो यही कहूँगा कि रमज़ान पाक का महीना है, अल्लाह सबको हिदायत दे, और ये जो आपस में लड़ रहे हैं अगर ये एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं तो चलें, एक प्लेटफॉर्म पे ना ही है लड़ना ही छोड़ दें तो शायद मुल्क के हालात बेहतर हो जाएं। क्या लगता है कि आपको कौन सा मुल्क ज़्यादा डेवलप है, हमारा मुल्क या फिर इंडिया का मुल्क ज़्यादा डेवलप? देखिए कंपैरिजन करना बनता नहीं है आपका, आप ये नहीं कह सकते क्यों, क्योंकि आप कंपटीशन में है ही नहीं है। क्या बात कर रहे हो यार, मैं आपको जेन्युइन बात कर रहा हूँ, देखो मैं बेशक पाकिस्तान में रहता हूँ लेकिन आप पाकिस्तान इंडिया के दूर दूर भी नहीं है, इतना डेवलप हो गया बिल्कुल, आप सबको नजर आते हैं इंडिया की इकोनॉमी देख लें आप सिर्फ उनकी बुलेट ट्रेन देख लें, सिर्फ उनका रेलवे ही देख लें आप, अपना रेलवे देख लें उनका रेलवे देख लें, आपको पता चल ब्रिटिश का दौर का वही ट्रेन चल रही है, वही है ना, आप अभी सैलाब आया हुआ कोयटा में आपका ट्रेन ऑपरेशन नहीं चल रहा, सैलाब गए को 6 महीने हो गए लेकिन आपका ट्रेन ऑपरेशन बहाल नहीं हुआ, तो आप यहीं से अंदाजा लगा लें आप। क्या फिर हम भी हम कहते हैं कि हमने इंडिया का मुकाबला करना, तो मुकाबला किस चीज़ पर, सिर्फ बातों पर कर रहे हैं या प्रैक्टिकल भी कुछ कर रहे हैं? आप बातें कहते हैं ना, बातों से पहाड़ गिराना, आप उनमें मुकाबला कर सकते हैं इंडिया का, उसके अलावा आप नहीं कर सकते हैं। या फैक्ट पे बातें कर रहे हो, सच्ची बात बिल्कुल, मैं हम अभी रिसेंटली गेम्स हुई हैं, साउथ एशियन गेम्स हुई हैं, मैं नेशनल कराटे प्लेयर हूँ जिसमें हमारी पाकिस्तान कराटे टीम गई है और इंडिया को डिफीट करके हमने मेडल्स जीते हैं। हम सिर्फ स्पोर्ट्स में उनका मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स में भी तब मुकाबला कर सकते हैं जब हमें फैसिलिटीज मिलें, वो भी हमें ना होने के बराबर मिलती हैं। स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, क्या क्रिकेट में हम उनका मुकाबला कर सकते हैं? देखिए क्रिकेट में हमेशा क्रिकेट को ही क्यों कहा जाता है, क्यों क्रिकेट इतने आईसीसी पूरा खरीद लिया उसने? हाँ बिल्कुल, आप देख लें कि पाकिस्तानी बच्चा देखा है मैंने भाई, जिसके अंदर इतना नॉलेज है, जिसको इतनी बातें पता है, लेकिन फिर भी भाई उसका एजुकेशन में फिर भी कमी है, क्योंकि भाई प्रॉपर उसको ज्ञान नहीं है, उसको जैसे भी बताया जा रहा है वैसा ही उसने कुछ सर्च करके देखा होगा तो उसने अच्छी बातें बोली है, वरना आज भी पाकिस्तान के टीचर जो है बच्चों में वही चीज़ें सूट रहे हैं, दिमाग के अंदर ढूंस देते हैं कि इंडिया पे बहुत मुसलमानों पे जुल्म होता है, लेकिन भाई उस औरत की बातें मेरे दिल को छू गई, कह रही है हमें कश्मीर क्या चाहिए, भाई कश्मीर को भी आज़ादी चाहिए, हमें भी आज़ादी चाहिए, कश्मीर से पहले तो हमें आटा चाहिए, कश्मीर छोड़िए हमें आटा दिलाइए। भाई ये है पाकिस्तानी देश के हाल, और बस इस देश का भाई शायद ही कुछ हो सकता है, वरना भाई ऐसे लगा पड़ा रहेगा। लेकिन भाई इस सच्चे छोटे से बच्चे की बात हमें बड़ी प्यारी लगी, एक स्मार्ट किड लिखा मिला पाकिस्तान का, आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मिलते हो आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय श्री राम।